फिल्म ओ माय गॉड 2 का रिलीज डेट नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर ना ही ट्रेलर सामने आया है ना ही इस फिल्म का खास प्रमोशन हो रहा है। और जो भी खबर इस फिल्म को लेकर सामने आ रहा है वो खबर इस फिल्म के लिए ही बहुत ज्यादा दुखद है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि ये जो फिल्म है ये सेक्स एजुकेशन पर होने वाला है, जिसके वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर 20 कट मारे हैं। और सुनने को मिला कि जो सेंसर बोर्ड है वो इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, और ए सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो 18 साल से ऊपर है वही इस फिल्म को देख सकते हैं, उससे नीचे के नहीं। और इसी वजह से फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार बहुत ज्यादा टेंशन में है। वैसे तो इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो 11 अगस्त है, लेकिन अभी तक इस फिल्म का ना तो ट्रेलर सामने आया है ना इस फिल्म का कोई खास प्रमोशन किया गया है। लगता है इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो आगे पोस्टपोन होने वाला है। और अगला न्यूज है मार्वल के लोकी को लेकर। सुनने में आया है कि जो लोकी वेब सीरीज का जो सीजन 2 है उसका टीजर या ट्रेलर जो है वो जल्दी ही सामने आने वाला है। लोकी वेब सीरीज का एक और पोस्टर रिलीज हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हो जहां पर सभी लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स जो है मिस मिनट के ऊपर खड़े हैं और एक के बाद एक पीछे भाग रहे हैं। लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स मिस मिनट के ऊपर भाग रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि एक टाइम लूप में लोकी के अलग अलग वेरिएंट फंसे हुए हैं और सब कुछ हो रहा है मिस मिनट के दायरे में। और सुनने को मिला है कि जो लोकी सीजन 2 का जो टीजर या ट्रेलर कह लीजिए वो आने वाला है मंडे शाम को। तो आप देखते हैं कि ये बात कितना सच है। तो दोस्तों अगला न्यूज आती है करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी। 160 करोड़ के बजट में बना है ये फिल्म और अब तक इसने 2 दिन में कुल कमाया है 27.10 करोड़ की कलेक्शन अब तक हुआ है। और इसके साथ ही करण जौहर का कमबैक सक्सेसफुल माना जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कलेक्शन है ये उम्मीद के मुताबिक कमी है। और बहुत ही लंबे समय के बाद करण जौहर ने दोबारा डायरेक्शन की फील्ड में लौट आए। इससे पहले करण जौहर बतौर प्रोड्यूसर फिल्मों में पैसा लगाते थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में उन्होंने पैसा लगाया था और कलंक में भी इन्होंने पैसा लगाया था, और इसका रिजल्ट भी इसके नाम की तरह ही है। लाइगर में पैसा लगाया था जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। साउथ की चटनी करण जौहर को भारी पड़ी। खैर इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।